ओके सो मैथ्स का पेपर ओवर, लास्ट पेपर कमिंग इन। अब खुशी ज़्यादा हो रही होगी कि पेपर ख़त्म हो रहे हैं, बट आपके इमोशन को आपको कंट्रोल करना है एंड आपको अपना लॉजिक ज़िंदा रखना है कि कल भी 100 नंबर का पेपर है। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ हाउ डू यू प्लान फॉर दीज 45 आवर्स नाउ? मतलब अब आप जब पहुंच रहे हो तो अब आपके पास कुछ कल का पूरा दिन और आज का कुछ दिन और अगले दिन सुबह आफ्टरनून तक का टाइम है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट थिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अतरंगी करने की जरूरत नहीं है। जिन क्वेश्चंस को आज तक टच नहीं किया, देखा नहीं, बिकॉज एमसीक्यू में का टेम्पटेशन होता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मत परेशान होइए, बहुत सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इस लिमिटेड टाइम में सब चीज़ों को समेटेंगे कैसे? तो देखो, सबसे पहले आपको अपना फंडामेंटल क्लियर करना है। सो यू हैव द रिविजन लेक्चर्स, सो द रिविजन लेक्चर विल इनकॉर्पोरेट एवरी थिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड बीसीके के चैप्टर्स पे भी है, उसका लिंक आपके साथ शेयर्ड है। अगर वो लेक्चर देखने के बाद ऐसा लगता नहीं मुझे तो कुछ और भी करना है, सो देन गो थ्रू योर मॉड्यूल आईसीआई का, और आईसीआई के मॉड्यूल क्वेश्चन जरूर देख के रखो, बिकॉज मैंने हमेशा ऑब्जर्व करा है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन एज इट इज पॉप अप फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। उसके बाद सवाल उठता है कि सर और क्या करें, और क्या करें? अगर आपने पीछे जो एडिशनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एडिशनल क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में उन्होंने दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स के एंड पे 2 सेट दिए हुए हैं, एडिशनल क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो कर लो, मोर देन इनफ है। फिर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की जब बात करते हो तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में चैलेंज आता है कि सर इतना कैसे याद रखे, उसमें तो कुछ क्लिक ही नहीं होता है, ऐसा अभी लग रहा है। परेशान मत हो, काफ़ी सारे बच्चे हाइप बना लेते हैं उस चैप्टर थ्री की, उस चैप्टर थ्री में जहाँ पे कंपनियों के नाम हैं, डिटेल्स हैं, उसका रिवाइज्ड शीट मैंने आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, चाहिए तो मैं वापस रिपोस्ट करा दूंगा उस चीज को, सो दैट यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं करना। और हाँ, जब आप पेपर देने बैठो, डोंट ट्राई टू बिकम इमोशनल विद द पेपर कि ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा, क्लिक नहीं हो रहा है, मूव टू द नेक्स्ट, बिकॉज क्लॉक इज टिकिंग। 72 सेकेंड्स में क्वेश्चन सोच समझ के करना है, 2 घंटे मिलेंगे, 100 क्वेश्चन करने हैं। प्लीज मेक श्योर यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम, कर लोगे मेरा भरोसा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के साथ तनातनी नहीं करना, जिसमें डाउट है उसको मूव करके आगे बढ़ो, नहीं तो क्या होगा, ज्यादा टाइम इधर लगाओगे तो पीछे पैनिक हो जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। वैसे चैप्टर थ्री की समरी उस पीडीएफ से कर लेना, वो रिवाइज है, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस हैज बीन डन, तो निश्चिंत रहिए। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि यू हैव सम डाउट्स, यू कैन सेंड अ व्हाट्सएप टू मी इमीडिएटली एंड आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू इट, आई एम ऑन द फोन। ओके, हम सब परसों मिलेंगे सेंटर पे, मैं कोशिश करूंगा जितने सेंटर्स पहुंच सकूं पहुंचूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, नींद पूरी करना, और एक दिन और बाहर का कुछ मत खाना, फिर भले जो करना है कर लेना, बट जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मौसम थोड़ा सा बेईमान है इंदौर में, ठंड और कोहरा बड़ा हुआ है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ वार्म्ड सो दैट यू आर एबल टू गिव द बेस्ट ऑन द डे जिसके लिए आपने इतनी तैयारी करी है। ये हमारे टेंशन लेने का दिन नहीं है, ये हमारे फेस्टिवल का दिन है, जिस दिन की तैयारी हमने इतने दिनों से करी थी वो दिन हमारे सामने है, सो गिव योर बेस्ट टू इट। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।